देख रहे हैं प्राइम स्टोरी। उत्तराखंड के नैनीताल में भूखा हूँ भोजन दो कहने वाले बिहारी कामगार के घर राशन लेकर पहुँचे पुलिस वालों को बहुत राशन सब्जी और हजारों रुपए मिले, जिसके बाद व्यक्ति का पुलिस एक्ट में चालान किया गया। आपको बता दें, नैनीताल के मल्लीताल कोतवाली क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जो कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन में मददगार लोगों को सख्ते में डाल सकता है। यहाँ जरूरतमंद बनकर लगातार पुलिस बल ने लोगों को फोन करके भोजन मांगने वाले एक बिहारी मिस्त्री ने आज फिर से हेल्पलाइन नंबर 112 पर फोन किया। उसने कहा कि वो भूखा है और उसके पास राशन सब्जी आदि नहीं है। मल्लीताल कोतवाल अशोक कुमार सिंह ने बताया कि फोन आने के बाद वो राशन लेकर बिहारी के घर गए। उन्होंने बिहारी को राशन देते समय उसके घर में देखा तो उनके होश उड़ गए। वहाँ कट्टों में चावल आटा समेत अन्य राशन, आलू प्याज समेत अन्य सब्जी और हजारों रुपए मिले। इसके अलावा जब उनके ठेकेदार को बुलाया तो उसने बताया कि उन्हें एक दो दिन पहले ही राशन और रुपये दिए गए हैं। पुलिस उस बिहारी कामगार को कोतवाली ले आई। उन्होंने बताया कि उसका पुलिस एक्ट के तहत चालान किया जाएगा। कि हम लोग काफी भूखे हैं, हमारे पास राशन बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल बिहार से हैं, हमारे पास ना तो रुकने की व्यवस्था ना रहने की व्यवस्था है। इस पर हम सूचना पर जब गए तो उसके कमरे पर कम से कम 25-30 किलो तो चावल रखा था, आटा भी था और सब्जियां भरपूर थी। इसके अतिरिक्त 5-6 हज़ार रुपये उनके पास भी थे। और इसके अलावा हमने उसके ठेकेदार से कॉन्टैक्ट किया तो ठेकेदार ने कहा कि मैं कंटिन्यू ने पैसे भी दे रहा हूँ, राशन भी कंटिन्यू दे रहा हूँ। तो फिर उसे हम लेकर आए हैं और उसके खिलाफ जो पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। देख रहे हैं प्राइम स्टोरी।